नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महाप्रभु का महारहस्य, सोने की झाड़ू से होती है सफाई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो पांच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काष्ठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी कि पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को CRPF की सेना चारों ओर से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आँखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं और वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है, जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है और उस समय सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। जिस साल अधिक मास आषाढ़ मास में पड़ता है, उस साल ये प्रक्रिया होती है। मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आँखों में पट्टी थी और हाथों में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे या फिर उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज़ बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपको आपके मुंह की तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। पुरी की रसोई अत्यंत अद्भुत है। 31 कमरों वाली इस विशाल रसोई, जो कि 150 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची है, भगवान को चढ़ाया जाने वाला महाप्रसाद तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल में लाए जाते हैं और लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ये सारा प्रसाद मिट्टी के जिन 700 हांडियों में पकाया जाता है, उन्हें अटका कहते हैं। लगभग 200 सेवक सब्जियों, फलों, नारियल इत्यादि को काटते हैं, मसालों को पीसते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है, उसका निर्माण माता लक्ष्मी के देखरेख में ही होता है। यह रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। यह मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है।
भोग पूरी तरह शाकाहारी होता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के स्थान पर अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। आलू, टमाटर और फूलगोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। जो भी व्यंजन यहाँ तैयार किए जाते हैं उनके जगन्नाथ बल्लभ लाडू, मातपुली जैसे कई अन्य नाम रखे जाते हैं। भोग में प्याज व लहसुन का प्रयोग निषिद्ध है। यहाँ रसोई के पास ही दो कुएं हैं जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है। दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूड़ी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, चिड़वा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है। रोज़ कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। 800,000 लड्डू एक साथ बनाने पर इस रसोई का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई में एक के ऊपर एक 7 कलशों में चावल पकाया जाता है। महाप्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा भोजन सबसे पहले बनता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। प्रतिदिन नए बर्तन ही भोग बनाने में काम में लाए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के पश्चात भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद, जिसे कि अब्धा कहा जाता है, निवेदित करने के बाद माता विमला को निवेदित किया जाता है और तब वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 लोग रसोई कार्यक्रम में तथा अन्य व्यवस्था में लगे होते हैं। 6,000 पुजारी पूजा विधि में कार्यरत होते हैं। उड़ीसा में 10 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग उत्साहपूर्वक उमड़ पड़ते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक साथ भोजन करते हैं। जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। सनातन धर्म में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लोग जगन्नाथ महाप्रभु के रथों को खींचने के लिए आते हैं। इस रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण में निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह वही मंदिर है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। रथ यात्रा के समय सारा आकाश जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा मंदिर तक जाता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए मार्ग में धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाते हैं वे सीधे भगवान श्री हरि के धाम उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो जय जगन्नाथ। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।